प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में हम अपने पुराने विषय को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे और वह विषय है आप जानते हैं अकेलेपन की ताकत और उसका यह तीसरा एपिसोड है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कल मुझे बहुत सारे मेल मिले। उसमें दो बातें थी। पहली बात तो यह है कि जो मेल आए उसमें अकेलेपन के बारे में लोगों ने अपने विचार तार्किक रूप से प्रस्तुत नहीं किए, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगे कि हाँ ये बहुत ही ब्रिलियंट थॉट एक मेरे सामने आया है। दूसरी बात जो पहले से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि ध्यान दीजिए कि मैंने आप सबसे कहा था कि आप उन समस्याओं के बारे में लिख कर भेजें जो आपके अकेलेपन से जुड़ी हुई है। मैंने देखा कि कल बहुत सारे मेल केवल इस समस्या से जुड़े हुए थे कि वे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। मित्रों इससे थोड़ा सा एक मेरे मन में इस बात को लेकर के निराशा जरूर हुई कि क्या मेरी बात को बहुत ध्यान से आप नहीं सुन रहे हैं, और अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए मेरी ही बात को नहीं, किसी भी बात को, चाहे आप ध्यान से न सुन रहे हो या ध्यान से न पढ़ रहे हो, तो फिर आप उसका पूरी तरह से सही सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैंने स्पेशली कहा था कि अकेलेपन से जुड़ी हुई अगर आपकी निजी समस्या है तो आप मुझे बताएं, मैं अपने इस डिस्कशन में उसे शामिल करना चाहूंगा, उनके उत्तर दूंगा। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। लेकिन इसके बावजूद कुछ मेल आए हैं जिसमें उन्होंने अपने अकेलेपन से जुड़ी समस्याओं की चर्चा की है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं जिन्होंने भी अपनी समस्या का उल्लेख किया है उनके नाम नहीं लूंगा और साथ ही उस समस्या को इंडिपेंडेंटली डिस्कस भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनके जवाब मुझे लगता है कि एक सैद्धांतिक तौर पर दूसरी बातों की चर्चा करने के दौरान भी बड़े आराम से दिए जा सकते हैं और बड़े प्रैक्टिकल लेवल पर दिए जा सकते हैं। इसे मित्रों जहां जरूरी होगी बात करना वहां मैं उसका हो सकता है कि समस्या का उल्लेख भी कर दूं, अदरवाइज मैं यहां सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब में से जिन्होंने भी अपनी समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया है वो प्लीज मेरी इन बातों को ध्यान से सुने, पाएंगे कि उनकी समस्या का निदान इसी में कहीं ना कहीं इंक्लूड है, इसी में शामिल है, उन्हें जवाब इसका मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। मित्रों हमारे मन में एक छटपटाहट होती है कि हम अपने घर लौट जाएं, इन सब को छोड़ छाड़ करके लौट जाएं। बेसिकली हमारे अंदर की जो ये छटपटाहट है बहुत ही अनरियलिस्टिक है, टोटली इमोशनल बेस्ड है। पहले हमें ये बात सोचनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से सोचनी चाहिए। आप याद करने की कोशिश कीजिए, अपनी ही चीजों को आप याद करेंगे तो आपको अपने ही लेवल पर उनके जवाब भी मिल जाएंगे। मैं जैसे अपनी एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, अपने याद की बात आपके सामने रख रहा हूं कि जब मैं गांव में था तो मैंने तो 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मैं गांव में रहता था और अपना व्यापार खेती जो भी होती थी उसमें हाथ बटाता था। मेरे ही गांव में कुछ जो अच्छे परिवार थे, जमींदार परिवार था, एक मुंशी जी का परिवार था, एक डॉक्टर शुक्ला थे उनका परिवार था, कुछ इस तरह के परिवार थे जो पढ़े लिखे परिवार थे, उनके बच्चे शहर में पढ़ते थे। छुट्टियों में वो बच्चे लौट कर आते थे और मैं जब उन बच्चों को देखता था तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती थी उन लोगों से। मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ईमानदारी के साथ कि मुझे ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या इस बात की होती थी कि देखो ये शहर में पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, और मैं उन्हें बड़ी ललचाई निगाह से देखता था और मैं सोचता था कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं, आगे कितना आगे बढ़ेंगे, और मैं ऐसे ही रह गया। काश मुझे भी मौका मिलता। आपने फिल्मी एक गीत सुना होगा, उस समय पुराने समय में था, शायद कभी आपके कानों में ये धुन पड़ गई होगी कि बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। यानी कि ये बंबई से आया हुआ है, हमारे लिए ज्यादा रेस्पेक्टफुल है, इसको सलाम करो, इसको नमस्ते करो, ये हमसे ज्यादा जानता है, हमसे कहीं ना कहीं आगे है। ये लालच हमारे मन में आता है, हम जो गांव में पूरी तरह से रह रहे हैं बाहर से आए हुए लोगों को बड़ी ललचाई निगाह से देखते हैं, और अब जब हमको मौका मिल गया है तो हम उसे ही अपना एक तरह से श्राप मान रहे हैं, लग रहा है जैसे कि हमारे साथ कोई अन्याय हो गया है। तो दोनों में सच कौन सा है, क्योंकि देखिए सच का निर्धारण आपको ही करना पड़ेगा।
बस ये है कि जो सच का आप निर्धारण करें, अपने ही अनुभवों को, अपने ही जीवन की घटनाओं को आधार बना करके करिए ना, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि क्या आपके मन में भी शहर से आए हुए या जो बाहर पढ़ रहे हैं ऐसे लोगों को देख करके क्या ये भाव नहीं उठता था या उठता है कि काश मैं भी ऐसा ही रहा होता, मैं भी ऐसा ही कर पाता। तो मित्रों, जबकि करने का मौका मिल गया है तो उसके प्रति अफसोस क्यों? दूसरी बात आप देखिए कि आप सब जो बाहर रह रहे हैं अपने घर से को छोड़ करके, ये कोई परमानेंट आप नहीं रह रहे हैं, ये थोड़े से समय की बात है, साल, दो साल, चार साल, दैट्स ऑल। आप हमेशा हमेशा के लिए कोई घर से निष्कासित नहीं कर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लौट करके तो आना ही है ना। और जब लौट करके आना है तो जो लौट के आने के क्षण है उनको जीना शुरू कीजिए, बजाय इसके कि आप जो छोड़ करके आए हैं उन क्षणों को जी रहे हैं। भूल जाइए उन क्षणों को जो आप छोड़ कर आए हैं, उन क्षणों के उत्साह में अपने समय को गुजारिए और पूरी उपयोगिता के साथ गुजारिए जहां आपको फिर से लौट कर जाना है। वो तब जब आपका गांव आपको इस रूप में देखेगा, आपका परिवार इस रूप में देखेगा, तो ज्यादा उत्साह के साथ आपका स्वागत करेगा और फिर वो गर्व के साथ दूसरों के सामने आपके उदाहरण दे सकेगा कि उसने ये हासिल किया, वो इतना मेहनती है, उसने ये चीजें पाई हैं। सोच करके देखिए कि यदि आप कोई उपलब्धि लेकर के लौटते हैं, जिन उपलब्धियों के लिए आपको भेजा गया है, तो केवल आपके परिवार का ही सीना गर्व से बड़ा नहीं होता है, आपके रिश्तेदार तक ही ये सीने की चौड़ाई, लंबाई का फूलना, बड़ा हो जाना सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि आपका गांव, पूरा का पूरा गांव गौरवान्वित महसूस करता है। तो मित्रों, उन पलों को रैलिश कीजिए, उन क्षणों को जीजिए, उसका स्वाद लीजिए, वो आपको ताकत देंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम आ गए हैं शहर में, घर बार छोड़ करके आ गए हैं, तो पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा होगा, कैसे काम चल रहा होगा, माँ उदास बैठी होगी, पिता चुपचाप शांत बैठे होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे। मित्रों, आप जो सोच रहे हैं, याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये केवल शुरुआत के कुछ समय की बात है, केवल कुछ समय की बात है। आप जैसे उदास हो जाते हैं अपने माता पिता और दूसरे लोगों के बारे में सोच करके, माता पिता भी आपके बारे में सोच करके कभी कभी उदास हो जाते होंगे, नो डाउट। शुरू शुरू में ज्यादा उदास रहे होंगे, इसके बाद उदासी धीरे धीरे कम हो जाती होगी, हो ही जाती है, और बाद में याद रखिए कि उदासी खत्म हो जाती है, ये उदासी गर्व में बदल जाती है। वो दूसरों को बताते हैं कि मेरा बेटा वहां ये करने गया है, मेरा बेटा वहां नौकरी कर रहा है, उनके लिए यही उदासी गर्व बन जाती है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप मत सोचिए कि जब आप आ रहे थे छोड़ छाड़ करके तो उनकी आंखें डबडबाई हुई थी, वो रो रहे थे, और अभी भी आंखें डबडबाई हुई होंगी और रो रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक समय होता है जो उस समय अपने ढंग से चीजों को प्रस्तुत कर देता है। वो क्षण ऐसे थे कि उसने अपने को अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि आंखों में वो आंसू ले आया, गला भर आया, आपको उन लोगों ने सीने से लगा लिया, आपको दूर जाते हुए वो तब तक देखते रहे जब तक कि आप उनके आंखों से ओझल नहीं हो गए और आप भी उनको देखते रहे। ये उस क्षण की देन है, ये उस क्षण की गतिविधियां हैं, वो स्थायी गतिविधियां नहीं है, वो अब भी नहीं है। और जहां तक काम के होने का सवाल है, आपको इतना भ्रम क्यों है कि वहां का काम नहीं होता होगा? सारे काम हो रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी क्योंकि जब चीजें बदलती हैं तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, सारा कुछ सेट राइट हो जाएगा। आप जब नहीं थे तो काम होता था कि नहीं होता था? अब आप कहेंगे कि भैया उस समय तो मेरे पिताजी नौजवान थे, अब थोड़े से वृद्ध हो गए। नहीं, कोई वृद्ध नहीं हुए हैं। 70-75 साल की उम्र तक आदमी अच्छे से काम कर सकता है और उसे करना ही चाहिए, और यही उसके स्वास्थ्य का रहस्य है। बेहतर है कि आप यहां चले आए हैं, आपके माता और पिता अपेक्षाकृत ज्यादा एक्टिव हो गए होंगे, ये आप अपने पिता की मदद कर रहे हैं उन्हें एक्टिव बना करके। काम सारे हो रहे हैं, जब आप नहीं थे इस दुनिया में आए थे तब भी काम हो रहे थे, जब आप बालक थे तब भी काम हो रहे थे, जब आप उसमें सहयोग देने लगे तब भी हो रहे थे, और अब जबकि आप बाहर हैं काम तब भी होंगे। उसकी चिंता बेवजह की चिंता है और आप सिर्फ केवल अपने लिए एक गलत तर्क ढूंढ रहे हैं लौटने के लिए। तो दोस्तों,
आज की लाइफ मैनेजमेंट में, बस इतना ही, कुछ और भी आप लोगों की समस्याएं आई हैं उनको शामिल करके मैं आगे और बातें करूंगा। और मैं समझता हूं कि हो सकता है कि जिस तरह से मेल मुझे मिले हैं कल शायद इस विषय का अंतिम दिन ही हो। खैर, अब उसके बारे में अपन बाद में डिसाइड करेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।